आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। एक चीज देखिए मैंने जिला देखी कि जिद बहुत करते हो और जिद करते हो उस जिद को मना के रहते हो। मैं सरपंच साहब को कहना था कि सरपंच साहब आज मुझे थोड़ा काम करने दो, बड़े साहब आना ही पड़ेगा, बच्चों की इच्छा है। और मैं भी क्योंकि अजमेर नागौर में कोई अंतर नहीं, हमारी सीमाएं मिली हुई है। और पनेर वो गांव है जहां वीर तेजाजी महाराज का ससुराल था और ये इलाका वो इलाका है ससुराल की धरती जहां तेजाजी ने गाय के लिए लड़ते हुए बलिदान दिया। ये वीरों की धरती है, वो भक्तों की धरती है और निश्चित रूप से हमेशा पीड़ित के साथ यहां के लोग खड़े रहते हैं, गरीब को मदद करते हैं और समाज के लोगों का भरोसा भी बहुत करते हैं। पहले ये पूरा इलाका मेरे हिसाब से किशनगढ़ में हुआ करता था, बाद में पुष्कर में चला गया। लेकिन हमेशा मैंने देखा जब भी चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो गरीब व्यक्ति के साथ यहां के लोग खड़े रहते हैं। मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, अजमेर जिले के जो किशनगढ़ रूपनगढ़ का इलाका जिस तरह मजबूत है, उसी तरह हमारे नसीराबाद मसूदा केकड़े के भाइयों को भी मजबूत करना है, उनके लिए आपको आगे बढ़ना है। नौजवानों को सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति के दुख सुख के अंदर साथी बन के आपको अपने भाइयों की मदद करनी है, समाज के साथ साथ उन तमाम जातियों की मदद करनी है जो आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। हो सकता है कई बार राजनीतिक समितियों में इच्छुक हो जाते हैं जिससे रोज बराबर की जातियां आमने सामने हो जाती है, उस समीकरण को चुनाव रिजल्ट के बाद आप भूल के एकजुट होकर किसान कोष कैसे आगे बढ़े। आज आवश्यकता राजस्थान के अंदर किसान के बेटों के हाथ में सत्ता की चाबी हो, क्योंकि जिस तरह राजस्थान बर्बादी के कगार पे उस वक्त राजस्थान को कोई बचा सकता है तो वीर दया जी महाराज बचा सकते हैं, भैरव जी महाराज बचा सकते हैं, ये लोग बेटा बचा सकते हैं जिसमें जमीन का आतंक। अभी मैं धन्यवाद दूंगा मंच पे जो हमारे वक्ता भाई रामचंद्र जी ठाकर मजबूत प्रधाने के समाज के साथ साथ किसान की लड़ाई लड़ते हैं, नौजवान की लड़ाई लड़ते हैं।